सो मैंग्रोव फॉरेस्ट दे आर स्पेशली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इजंट इट? दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज सुंदरबन डेल्टा ऑल्सो, बिकॉज हियर ट्री ऑफ सुंदरी ट्री, ठीक है, सुंदरी ट्रीज आर ग्रोन मोर एंड लार्ज इन नंबर्स. सो हियर दिस इज टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है. मैंग्रोव फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as tidal forest. Why? It is also known as tidal forest because it receives low tide and high tide. ठीक है? Because it is located, ठीक है, near Bay of Bengal. Understand? And it experiences low tide and high tide. That's why under high tide, you know, this forest is submerged. Half portion is submerged in water. ठीक है, आधे से ज़्यादा portion water में एकदम submerged हो जाता है. And when there is low tide, then these waters goes back. ठीक है, and it comes its original state. Understood? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे mud and silt get accumulated on such coast. ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट पे क्या है? मड एंड सिल्ट आर एक्यूमुलेटेड. ठीक है, मड और सिल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, ऑन इट्स कोस्ट. क्लियर? एंड डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन वैरायटीज विद रूट्स ऑफ दी प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? डेंस mangrove trees are grown. Dense mangrove trees are seen. ठीक है, submerged in water. ठीक है, and from helicopter we can watch. ठीक है, this scene. Understood? तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है? द डेल्टाज ऑफ क्या है? गंगा महानदी एंड कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. ठीक है, गंगा का जो डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, गोदावरी, ऑल दीज पोर्शंस दे हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है, वहाँ पर आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट अवेलेबल है. ठीक है, एंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. ठीक है, इन गंगा ब्रह्मपुत्र पुत्र डेल्टा सुंदरी ट्री. ठीक है, सुंदरी ट्री इज फाउंड. ठीक है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस सुंदरी ट्री दिस डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज, दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा. ढेर सारा सुंदरी ट्री होने की वजह से इट इज नोन एज, ठीक है, फाउंड एंड इट इज नेम्ड एज सुंदरबन डेल्टा बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सुंदरी ट्री. ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर दिस ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरी ट्रीज है. फिर इसके अलावा कोकोनट, आदर एंड केवड़ा, ठीक है, ये सब ट्रीज हैं. कोकोनट, आदर एंड केवड़ा, ठीक है, एक्सेट्रा आर ग्रोन, ये भी यहाँ पे ग्रो होता है. और केवड़ा का ऑयल आता है, इट इज वेरी, यू नो, गिव्स गुड स्मेल, है कि नहीं? तो इसका सेंट भी बनता है. एंड रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल. ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल, राइट, फेमस एनिमल फाउंड हियर. क्लियर?
Royal Bengal tiger, most famous. Understood? So we have got such things, and here we also get turtle, crocodile, gharial, and snakes. Okay, aquatic animals. They are turtle, crocodile, घड़ियाल, snakes, etc. They are found here. Understood? किसी कोई प्रॉब्लम? वेरी सिंपल इन दोनों पोर्शन इट इज. और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो नाउ वी विल टॉक अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट वी ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट. है कि नहीं? मेडिसिनल प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, इजंट इट? दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल एंड इंडिया इट इज नोन फॉर द हर्ब्स एंड स्पाइसेस. ठीक है, इंडिया में जो हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, ठीक है, वी ऑफ मीन्स यूजिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस वी कैन मेक मेडिसिनल प्लांट्स. अंडरस्टैंड? एंड अलॉन्ग विद दिस सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा. ठीक है, इंडिया में मोर देन 2000 प्लांट्स आर देयर विच आर मेडिसिनल इन प्रॉपर्टी. ठीक है, उससे मेडिसिन बनती है. बहुत सारे तो आपके दादा दादी को भी पता है, मम्मी को भी पता है, बहुत सारे मेडिसिन है कि नहीं? और बहुत सारे आयुर्वेद की बुक्स में दिया है इसके बेनिफिट्स. अंडरस्टैंड? तो ये सारे हमारे फॉरेस्ट से ही ऑप्टेन होते हैं. मेडिसिन आर ऑप्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट. ठीक है, एक मेडिसिन आती है मलेरिया की, क्विनीन. इट इज ऑप्टेन फ्रॉम सिंकोना ट्री. ठीक है, क्विनीन मेडिसिन जो होता है ये सिंकोना ट्री से मिलता है. अंडरस्टैंड? फिर यू हैव सीन मिंट, पुदीना. ठीक है, इट इज यूज फॉर योर एसिडिटी. ठीक है, सिमिलरली यू हैव गॉट यू नो तुलसी लीव्स, बैसाइल लीव्स. ठीक है, दीज लीव्स दे आर यू नो हेल्पफुल इन कफ, इजंट इट? कफ एंड कोल्ड. इन दिस मैनर यू हैव गॉट मेनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स, दे आर यूजफुल हियर. अंडरस्टैंड? लेट अस डिस्कस वन बाई वन. दे आर मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन इंडिया. That is medicinal plants. Okay? So you have seen more than 2000 plant species are described in Ayurveda having medicinal property, having medicinal property. Clear? They are herbs and spices. Okay? Means herbs and spices. All these are described in Ayurveda. Understood? So, you have got, you know, many types of 500 हमारे regular use में है. ठीक है? 500 species. 500 plant species are in regular use. ठीक है? ये सब हमारे regular use में लेते हैं. बहुत सारी चीजें आपके घर वालों को पता है. ठीक है, एंड दे टेल्स यू राइट, एंड मोस्ट ऑफ देम यू आल्सो नो. क्लियर? तो इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है? जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट. ठीक है, एक है हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट एक बना हुआ है. ठीक है, जिसमें 352 मेडिसिनल प्लांट्स है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू
second world's conservation, second world's conservation and union's red list, ठीक है, इसका पूरा नेम क्या है, वर्ल्ड्स कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट, ठीक है, ये रेड लिस्ट में आ रही है, ठीक है, इट हैज 352 मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, ऐसे हमारा ये जो लिस्ट है पूरे वर्ल्ड की, उस लिस्ट में केवल 352 मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, अंडरस्टैंड, सम ऑफ देम इज, फर्स्ट वन इज सर्पगंधा, ठीक है, एक आपका कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, सर्पगंधा, ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल मेडिसिनल प्लांट एंड इट इज फाउंड इन, फॉर व्हाट ट्रीटमेंट इट इज, फॉर बीपी, ठीक है, टू ट्रीट बीपी, है ना, तो सर्पगंधा से हम बीपी जो है ट्रीट करते हैं, फिर यू हैव गॉट जामुन, ठीक है, जो जामुन होता है, ठीक है, ये किसी में यूज होता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है, कंट्रोलिंग डायबिटीज, जामुन क्या करता है, कंट्रोल डायबिटीज, ठीक है, जामुन हमारा केवल मतलब डायबिटीज कंट्रोल करता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है, देन यू हैव गॉट अर्जन, ठीक है, ये जो होता है अर्जन टू क्योर ईयर आग, ठीक है, एंड बीपी, अर्जुन, अर्जुन केयर ईयर आग, ईयर आग समझते हैं ना, एंड रेगुलेट बीपी, ठीक है, ईयर आग मतलब जो कान में दर्द होता है, दैट इज ईयर आग, ठीक है, कान में दर्द उसको जो है क्या कहते हैं, ठीक करता है और आपके बीपी को भी रेगुलेट करता है, बबूल, ठीक है, आई सोर्स, ठीक है, एंड गम हो, राइट, बबूल, बबूल क्योर्स आई सोर्स एंड गम्स, गम्स पता है ना सबको, गम्स आई सोर्स जो आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, और कोई डिप इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज आई सोर्स, एंड गम्स सबको पता है मसूड़े, मसूड़ों से ब्लड आता है, तो इसीलिए बबूल का टूथपेस्ट आता है, और आपका जो है नीम क्या है, एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, नीम वर्क एज एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल कहते हैं राइट, महक के पापा क्या कहते हैं, जिसका पेट दर्द कर रहा है उसको नीम की पत्ती पीस के पिला दो, कहते कि नहीं कहते, सबके पापा कहते होंगे, है कि नहीं, क्योंकि क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है, इससे आपका पेट ठीक हो जाता है, क्लियर, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के घर में यूज होता है, फिर तुलसी तो आपको पता ही है, कफ एंड कोल्ड, है ना, तुलसी इज फॉर तुलसी, कफ एंड कोल्ड, ठीक है, सिमिलरली यू हैव गॉट मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, दैट इज यूज्ड, अंडरस्टैंड, एंड एक और बचा था क्या, क्या है, कचनार, ठीक है, इसमें क्या अस्थमा एंड अल्सर, क्लियर, कचनार, ए ए सी एच एन के आर, अस्थमा एंड अल्सर, ठीक है, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो यही सब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, अंडरस्टैंड, दैट्स वाई दे आर वेरी यूजफुल टू अस, क्लियर, सारा इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही था,
यही हमारे काम का है। बाकी तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड। क्लियर? तो ये था आपका फॉरेस्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यू हैव स्टडीड, ठीक है, एंड नेचुरल वेजिटेशन यू हैव स्टडीड, ठीक है। अब इसी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन में कौन रहते हैं? वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट दे आर इनहैबिटेड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ को भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, अंडरस्टूड? सो हैव यू नोटेड एवरीबॉडी? जिसने नहीं नोट किया है वो घर में उसमें वीडियो व्यू करके पॉज कर करके नोट कर लेना, ठीक है, घर में वीडियो को जो पॉज कर करके लिख लेना। Now we are going to discuss wildlife. ठीक है, जैसे हमने प्लांट स्पेसीज की बात की, ठीक है, वैसे वाइल्ड लाइफ की भी स्पेसीज होंगी, ठीक है, तो इसका भी अलग अलग डाटा है। लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। तो वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? दैट इज योर फौना, ठीक है, इसी को फौना भी बोलते हैं। फ्लोरा आपका क्या था? प्लांट्स था, एंड फौना एनिमल्स, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट फौना। क्लियर? तो इसमें हमने क्या देखा कि इट हैज अप्रॉक्सिमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज, ठीक है, इट हैज अप्रॉक्सिमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज। क्लियर? इतने आपके एनिमल स्पेसीज रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, 90,000 एनिमल स्पेसीज आर देयर, एंड इंडिया हैज अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इंडिया में 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। ये सारे डाटा आपके 2014-15 के हैं, अब जब 2021 का डाटा आएगा तो इट मे बी चेंज, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल टोटल बर्ड स्पेसीज, बर्ड्स टोटल बर्ड्स, पूरी दुनिया में जितने बर्ड्स हैं इंडिया में उसका 13%। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 बर्ड है तो इंडिया में 13 है, अंडरस्टूड? इसी तरीके से 2000 है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, है कि नहीं, राइट? 13% के हिसाब से आपका ये 2000 है टोटल, है ना। पूरे वर्ल्ड में कितनी स्पेसीज होगी कैलकुलेट, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन वर्ल्ड? क्यों 2000 आपके बर्ड्स हैं, ठीक है, तो यू विल राइट 13% ऑफ टोटल बर्ड्स, यही तो आपका 2000 है, तो क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स में करते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल बर्ड्स कितने हो जाएंगे वर्ल्ड में, 2000 अपॉन 13%, है कि नहीं, इट विल कम 2000 into 100 upon 13। अब कैलकुलेट करके बताओ कि इस बर्ड से अप्रॉक्स हुआ, ऐसे निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंड? कुछ डाटा से हम लोग उसके आगे एनालिसिस कर देते हैं, थॉट एनालिसिस, अंडरस्टैंड? यू शुड एनालाइज द फैक्ट्स, उसको और अलग तरीके से डिफरेंट स्टाइल से आप अपने आप से क्वेश्चन करो, ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट इट्स आंसर। तो फिर क्या है, देयर आर 2500 स्पेसीज ऑफ फिश, ठीक है, हाउ मेनी स्पेसीज आर 2536 स्पेसीज ऑफ फिश हमारे पास इसका डाटा है, ठीक है, 2500
46 है, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का 12% है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 12% ऑफ वर्ल्ड फिश स्पेसीज, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 12% है ये फिश स्पेसीज का, राइट। फिश क्या है, दिस इज एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। एंड 5-8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल एंड मैमल्स, ठीक है। अंडरस्टैंड, 5-6%, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर फाउंड इन इंडिया। क्लियर। इतने सारे हमारे स्पेसीज 5-6% इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये सब आपने बायो में पढ़े होंगे, ठीक है। बायो में ये सब रहता है, एम्फीबियन रेप्टाइल। एम्फीबियंस कौन होते हैं, लैंड और वाटर दोनों में, और रेप्टाइल्स जो स्नेक की तरह चलते हैं रेंगते हुए, है कि नहीं। और मम्मल्स वो यूज टू फीड मिल्क टू देयर बेबी, ठीक है, जो मिल्क फीड करते हैं अपने बेबी को। सो एलिफेंट्स आर मोस्ट मजेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट आपका क्या है, इज मोस्ट मजेस्टिक, मोस्ट मजेस्टिक एनिमल अमंग मैमल्स। इसमें मैमल्स में एलिफेंट इन मैमल, ठीक है, इट फीड मिल्क टू देयर बेबी, दैट्स व्हाई इट इज मैमल, राइट। सो इन दिस वे दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला, ठीक है। ये सारे हमारे एनिमल्स एलिफेंट्स स्पेशली, ठीक है, दे आर फाउंड इन हॉट वेट क्लाइमेट, ठीक है। एलिफेंट फाउंड इन हॉट वेट क्लाइमेट, क्लाइमेट रीजन, जहाँ पे हॉट वेट क्लाइमेट होता है वहां पे आपके एलिफेंट सारे लार्ज नंबर्स, क्लियर। एंड इन दिस वे यू हैव गॉट मेनी एनिमल्स विच लिव्स इन स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया, ठीक है। और कुछ हमारे एरिड एरिया जैसे रन ऑफ कच्च एंड द डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड एस एंड कैमल। वाइल्ड एस एंड कैमल आपके डेजर्ट एरिया में मिलेंगे, ठीक है। एंड रिमेनिंग योर यू नो दीज थिंग्स दे आर फाउंड इन यू नो मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया। मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया में कौन रहेगा, घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, अंडरस्टूड, सच वाइल्ड स्पीसीज दे विल लिव, क्लियर। एंड इन दिस वे आपको पता होना चाहिए कि इंडियन बाइसन एंड नील गाय, ठीक है, चौसिंगा जिसको फोर हॉर्न एनिमल बोलते हैं, क्लियर, ये सभी मिलते हैं। तो इंडिया क्या है, इट इज अ ओनली कंट्री विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस, ठीक है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जहां टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं, बट इन अदर कंट्रीज बोथ स्पीसीज आर नॉट फाउंड, ओनली वन स्पीसीज आर फाउंड इफ देयर इज। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे टाइगर और लायन दोनों स्पीसीज फाउंड होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
क्लियर। फिर इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है लायन के लिए, दैट इज गिर फॉरेस्ट। ठीक है, इंडिया का कौन सा फॉरेस्ट है, वो कौन सा जगह है, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट में अंडरस्टूड, इन दिस फॉरेस्ट बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड। अंडरस्टूड। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। फिर सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल हिमालय रीजन, यहाँ पे लेपर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेपर्ड्स, लेपर्ड्स कहाँ फाउंड होते हैं, लेपर्ड्स आर फाउंड इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड हिमालय। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या मिलता है, लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड्स आर फाउंड इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड योर हिमालय। क्लियर। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ कैट फैमिली। टाइगर्स हमारे कौन सी फैमिली में आते हैं, कैट फैमिली। आपकी मैम बताई होंगी या सर जो भी पढ़ाते हैं। ठीक है, कैट फैमिली में आता है। सो द हिमालय हार्बर, ठीक है, अ हाई रेंज ऑफ यू कैन सी एनिमल्स। बहुत सारे यहाँ पे लद्दाख में फ्रीजिंग हाई अल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे क्या है, याक। ठीक है, याक कहाँ पाया जाता है, याक। ठीक है, याक्स आर फाउंड इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में याक मिलता है, देयर लोकेशन। ठीक है, दे आर फाउंड इन दिस एरिया, लद्दाख एरिया, जहाँ पे बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हमारे वाइट एक्स भी होते हैं, तिब्बतन एंटीलॉप। ठीक है, फिर एक ब्लू शीप, वाइट शीप कियांग। ठीक है, ये तिब्बतन वाइट एक्स है। इस तरीके से आइबेक्स, डियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा फाउंड, रेड पांडा। ठीक है, ये सब भी हिमालयन रेंजेस में मिलते हैं। अंडरस्टैंड, वायर देयर इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर होता है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। और इंडिया की रिवर्स, लेक्स, ठीक है, और बहुत सारे हमारे कोस्टल एरिया में टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड घरियाल्स आर फाउंड। ठीक है, हमारे जितने भी कोस्टल एरिया है, देयर टर्टल, ठीक है, घरियाल, क्रोकोडाइल, दे आर फाउंड। पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इस तरीके से वी हैव गॉट लेटर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी क्रोकोडाइल फाउंड इन वर्ल्ड टूडे। आज केवल क्रोकोडाइल की ही वेराइटी मिल रही है, बाकी चीज़ें हमारी एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। ठीक है, दीज वेराइटीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट डे बाई डे, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बर्ड लाइफ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बर्ड लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। बर्ड्स कौन कौन सी मिलती है हमारे यहाँ, वी विल डिस्कस बर्ड, बर्ड्स लाइफ, यू नो मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो इंडिया में भी देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उनमें आपने देखा कलरफुल पीकॉक्स है कि नहीं, पीकॉक्स, एक है फीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स। ठीक है, दे आर फाउंड कलरफुल पीकॉक्स। ठीक है, एक है फीजेंट्स, राइट, एंड यू हैव गॉट डक्स। क्लियर, पैराकीट्स। ठीक है, ये भी एक तरह की बर्ड होती है, पैराकीट्स। अंडरस्टैंड, एंड यू कैन हैव मेनी बर्ड स्पीसीज दैट आर सीन हियर। ठीक है, क्रेन हो गया, पिजन हो गया है कि नहीं, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन, पता है ना सबको, अंडरस्टैंड, पिजन्स आर फाउंड हियर। ठीक है, वे आर वेरी, यू नो इट इज यूज्ड फ्रॉम मुगल पीरियड। पिजन हम लोग किस लिए यूज करते थे, दे वर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन ओल्ड टाइम है कि नहीं,
पिजन से ही हम लोग मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे थे, राइट। सो वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ पे एडिबल प्लांट्स बहुत होते हैं, एडिबल प्लांट्स जानते क्या होते हैं, विच वी ईट, दैट इज एडिबल, अंडरस्टैंड। तो इसके बहुत सारे हमारे सीरियल क्रॉप्स पल्सेस दे आर एडिबल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। वी ऑल्सो गेट्स मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स वर सेलेक्टेड फॉर लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाई नेचर एज मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल्स आर फाउंड। व्हाट इज मिल्च एनिमल? मिल्च एनिमल्स, ठीक है, आर मिल्क गिविंग एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं दे आर मिल्च एनिमल्स, अंडरस्टैंड। तो जैसे हमारे बफेलो है, काउ है, ठीक है, ये सब मिल्च एनिमल्स है, राइट। एंड दे आर ऑल्सो यूज यू नो ट्रांसपोर्टेशन मीट, ठीक है, एंड मिल्क, एग्स भी हम लोग यहाँ से लेते हैं, बहुत सारे बर्ड्स के एग्स भी जो है लोग कंज्यूम करते हैं ठंडी में, है ना, मीट है, मिल्क है, ठीक है, ये सब हम लोग इन्हीं से प्राप्त करते हैं, राइट। फिर यू हैव गॉट मेनी ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे इंसेक्ट्स इज हार्मफुल, रोडेंट, इंसेक्ट, पेस्ट, ठीक है, दे आर ऑल्सो सम यू नो इंसेक्ट्स दे आर हार्मफुल, नुकसान करते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दे आर फाउंड, दे आर ऑल्सो हार्मफुल, है कि नहीं, फंगी है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, हार्मफुल चीज़ें भी हमारे यहाँ पे हैं, है ना। इस तरीके से एवरी स्पेसीज हैज अ रोल, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में हर स्पेसीज का कोई ना कोई रोल है। अगर ये सब नहीं होते तो डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजर भी तो चाहिए, नहीं तो पता लगा आदमी मरता गया, लाश की ढेरे लगती गई, है ना, घाट पे ऐसी पड़े हैं लाश, वैसे ही डिकम्पोज ही नहीं हुए, तो क्या फ़ायदा होगा उसका, डिकम्पोजर भी चाहिए जो उसे मिट्टी में मिला दे, डिकम्पोज कर दे, ठीक है। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, तो कंजर्वेशन इज एसेंशियल हियर, हमें इन सबका क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, वी शुड नॉट डिप्लीट देम, वी शुड नॉट मेक देम एज एक्सटिंक्ट स्पेसी, ठीक है, हमें उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, तभी हमारे ये सब के सब कंजर्व हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। यू हैव गॉट 1320 स्पेसीज आर इन डेंजर, ठीक है, इस समय क्या है 1300 प्लांट स्पेसीज आर इन डेंजर, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, और 20 प्लांट स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, एकदम विलुप्त हो गए हैं, कहीं कहीं पे बचे हुए हैं, अंडरस्टैंड। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रिजर्व देम, है कि नहीं। एंड द मेन कॉजेस फॉर द मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स, सबसे मेन थ्रेट क्या है कि ग्रीडी हंटर्स बहुत हो चुके हैं, ठीक है, वो मानते ही नहीं किसी के बात, ठीक है, चोरी से जा करके मार डालते हैं, है ना, किसी को पता ही नहीं चल पाता है। सो इन दिस वे मीन्स दे यूज टू यू नो सेटिस्फाई देयर ग्रीड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, बेचने के लिए, क्योंकि उससे पैसा खूब मिलता है, इसलिए हम भी जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे एक्वेटिक एनिमल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पॉल्यूशन, जो हमारी इंडस्ट्रीज हॉट वाटर पॉल्यूटेड वाटर जो है रिवर्स में छोड़ देती हैं। अभी यही तमसा रिवर है, अभी जब फरवरी का महीना आएगा तो शुगर मिल से खूब सारा ई वेस्ट जो है रिलीज कर देंगे, पूरा बास मारेगा एकदम, है कि पूरे एकदम चारों तरफ होता है ना, तो ये क्यों हुआ, और इसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये सब के सब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, वो भी मर जाते हैं, है कि नहीं, तो कितना फिशेज इसमें हो रहा है, फिशिंग कर सकते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। सो वी शुड कंजर्व, ठीक है,
दीज हैबिटेट्स. हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कुछ ऐसे स्टेप्स लें सो दैट ऑल दीज स्पेसीज आर कंजर्व. अंडरस्टैंड? एंड टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना कंट्री, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स. फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? Many steps has been taken by government of India. ठीक है, steps taken by government of India. ठीक है, ठीक है, to conserve wildlife. Right? तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. क्लियर? ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं. एंड ये सब क्या है? ताकि हमारे फ्लोरा एंड फौना प्रोटेक्ट रह सके. 10 ऑफ दीज, ऐसे 10 हैं. एक है सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नेटरेक, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल है, एक पंचमढ़ी है एंड अक्षर कुमार. ठीक है, फिर अम्बरकंटक, ये सब जगह जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हैं. ठीक है, आज इसी को होमवर्क देंगे, अभी इसको आपको लोकेट करना है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू बॉटनिकल गार्डन्स. ठीक है, टेक्निकल एंड फाइनेंस असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड टू बॉटनिकल गार्डन्स. ठीक है, बहुत जगहों पे बॉटनिकल गार्डन्स बने हुए हैं ताकि हमारे प्लांट स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज, जैसे लखनऊ में पुखरैल, ये बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है. ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, ये 3 प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च हुए हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लियोपार्ड. ठीक है, लियोपार्ड एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, has been launched by government of India. ठीक है, government of India has launched such projects. ठीक है, in this way 103 national parks and 535 wild sanctuaries. ठीक है, कितने national park है? 103 नेशनल पार्क, और कितने हैं वो सेंचुरीज एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, आर डेवलप्ड इतने सारे. क्लियर, इतना सारा आपका जो है गवर्नमेंट का एफर्ट है. ठीक है, फिर यहीं पे लास्ट टॉपिक आता है माइग्रेटरी बर्ड. ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. माइग्रेटरी बर्ड 2 मिनट का काम है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है,
ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ये जो आपका है इट इज फाउंड इन वेटलैंड, ठीक है। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स कब आते हैं, विंटर बर्ड्स किसको बोलते हैं, दे आर साइबेरियन क्रेन, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में जो आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, उनमें सबसे मेन क्या है, साइबेरियन क्रेन्स, दे यूज टू कम अंडरस्टैंड बाय ट्रैवलिंग लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। और ये क्या है, वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इन द रन ऑफ कच्छ, और ये कहाँ पे आते हैं, ठीक है, कम्स टू रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। दीज माइग्रेटरी बर्ड्स यूज टू कम हियर इन रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, बहुत सारे हमारे फ्लैमिंगो, ठीक है, दे आर ब्रिलियंट पिंक प्लमेज का, ठीक है। फ्लैमिंगो एक बर्ड है, फ्लैमिंगो, ठीक है, दे आर पिंक कलर, पिंक कलर, ठीक है। दे ऑल्सो कम्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, राइट। और इसके बाद हमारे पास, हाँ, तो बस इसी तरह के बर्ड्स हमारे यहाँ, दे कम्स टू आवर कंट्री एंड दे इंक्रीजेज नेशनल हेरिटेज, इससे हमारी कंट्री का जो नेशनल हेरिटेज है इट इज इंक्रीज, अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर चैप्टर दैट हैज़